जय हिंद जय भारत। तो ये जो आप प्रतिमा देख रहे हैं महात्मा गांधी की प्रतिमा है, सबसे बड़ी बात ये अमृतसर के कंपनी बाग में लगी है। आप देख सकते हैं कि गांधी बापू को किस तरह बुलेट प्रूफ शीशों में जकड़ा गया है। आखिर बुलेट प्रूफ शीशों में गांधी को जकड़ने के पीछे क्या मंशा रही है? और सबसे बड़ी बात कि आपको पता होगा कि 30 जनवरी 1948 को गांधी को गोली मारी गई थी और नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी, लेकिन इस प्रतिमा को गोली किसने मारी? 5 साल हो गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से इसकी जांच के आदेश आने के बाद अमृतसर की पुलिस आज तक पता नहीं लगा पाई है कि आखिर इस गांधी के बुत के पैर में गोली किसने मारी। तो आज हमारे साथ हैं इस मामले को प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाने वाले एडवोकेट पीसी शर्मा। तो आज हम लाइव बात करेंगे एडवोकेट पीसी शर्मा से और जानेंगे सारा सूरत हाल। तो आपका स्वागत है लाइव अमृतसर में। तो ये बताइए, ये जो महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी है, 5 साल पहले करीब इनके पैरों में गोली मारी गई और उसके बाद में आपने ये फोटो प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी, तो अब हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आखिर माजरा क्या है? माजरा कुछ नहीं है, इसमें पैरों में गोली लगी थी इस वक्त और इसका जो था नोट्स लिया गया था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताया गया था, पंजाब सरकार को बताया गया था और साथ में भारत सरकार को बताया गया कि इनके पैरों में गोली मारी गई है। जीते जी इनको गोली किसी ने मारी होगी तो वो उसका हमें इसलिए अफसोस नहीं है क्योंकि हम उस वक्त पैदा नहीं हुए थे, परंतु आज जब इनका बुत घड़ा हुआ उसको गोली मारी गई है, वो एक बड़ा गंभीर विषय है। तो उसके ऊपर उनको लिखा गया था कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और इसका जिम्मेदार जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन है और प्रशासन के ऊपर कार्रवाई की जाए। उन्होंने क्या किया कि इसको बाद में इसकी लीपा पोती करके यहाँ पर सजावट कर दी और इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे सजावट कर दी, कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन गांधी को गोली किसने मारी? जी हाँ, नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी 30 जनवरी 1948 को, लेकिन 5 साल पहले इस गांधी के बुत के पैरों में गोली किसने मारी? भारत सरकार इस मामले में जांच कर रही है, पंजाब सरकार के सेक्रेटरी कटघरे में है। सबसे बड़ी बात, अमृतसर के पुलिस प्रशासन का है या जिला प्रशासन, मेयर करमजीत सिंह रिंटू ने जांच के आदेश दिए थे, कमिश्नर सोनाली गिरी थी तब उन्होंने जांच के आदेश दिए थे, लेकिन आज तक जांच कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो ये जांच कंप्लीट कब होगी पीसी शर्मा जी, आप बताएं? होगी कभी नहीं, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पर सारा जो सजावट हुई थी वो उसको खत्म कर दिया, जिनको कोई मोहब्बत नहीं है महात्मा गांधी जी से, तो ये होगी भी कभी नहीं। सबसे बड़ी बात है, ये जब मामला उछला था तो उस समय पूर्व निकाय मंत्री अनिल जोशी यहाँ के मंत्री थे, पंजाब के मंत्री थे, और उन्होंने कंपनी बाग को संवारने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया, लेकिन जिस तरह आज हालत देख रहे हैं आप और गांधी की प्रतिमा को जिस तरह बुलेट प्रूफ शीशों में कैद कर दिया गया है, तो 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को अब तो फूलमाला भी नहीं चढ़ाई जा सकती जी। अब तो नीचे ही चढ़ाते हैं, जो भी आते हैं चरणों में चढ़ा देते हैं, ऊपर तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि इसकी चाबी किसके पास है किसी को पता ही नहीं है। अच्छा, ये बात बताइए, क्या ऐसा आप मानते हैं कि गांधी के पैरों में गोली मारने वाले जो भी लोग रहे होंगे उन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की? हो सकता है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, ये तो वो ही सोचेंगे जिन्होंने ऐसा किया होगा। सबसे बड़ी बात है कि गांधी को गोली किसने मारी, 5 साल तक अभी तक कुछ पता नहीं चला है। अभी कुछ दिन पहले 30 जनवरी को हम गांधी जी की पुण्यतिथि मना चुके हैं, हम गांधी को मानते हैं, पर जेब में जो पैसे पड़े हैं नोट वाले गांधी को हम मानते हैं और इन गांधी को हम भूलते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि गांधी को गोली किसने मारी, ये जांच आज तक चल ही रही है और कार्यालय प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर पंजाब सरकार और पंजाब सरकार ने अमृतसर पुलिस और अमृतसर के प्रशासन ने आज तक 5 सालों में ये पता नहीं लगा पाई कि आखिर गोली किसने मारी। तो ये बताइए सर, आप गांधी के पैरों में गोली मारी गई, यहाँ का जो गांधी का जो ये पार्क है, सूरत हाल है, तो एक गांधी के विचारों को आप मानते हैं तो कहीं ना कहीं मन दुखी है? मन तो बहुत दुखी है क्योंकि आज जो हालात हो गए हैं इसके इर्द गिर्द देखो आप कितना कूड़ा पड़ा हुआ है और साथ में सारे जो ये हैं फवारे जो भी रंग बिरंगे लगाए थे सभी बंद पड़े हैं, तो इसका मतलब उनको गांधी जी से प्यार ही नहीं है। चलिए, बहुत बड़ी बात की एडवोकेट पीसी शर्मा ने, गांधी जी से प्यार नहीं है लेकिन लोगों को गांधी से प्यार है। जी हाँ, नोटों वाले गांधी से प्यार है, इसलिए गांधी की प्रतिमा को गोली मारने वाले आज भी आजाद घूम रहे हैं और गांधी बुलेट प्रूफ शीशों में कैद हो गए हैं। तो ये थी लाइव अमृतसर की लाइव तस्वीरें जो आप देख रहे थे, ऐसी ही कहानी हम लेकर आपके पास आते रहेंगे। आप देखते रहे लाइव अमृतसर। जय हिंद जय भारत।